लोकतंत्र 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 खतरे में है का नारा देने वाले कैसे लोकतंत्र का गला घोटते आ रहे हैं, जरा गौर कीजिएगा। हिमाचल प्रदेश के एक जर्नलिस्ट के ऊपर FIR होता है क्योंकि उसने हरियाणा इलेक्शंस के दौरान हरियाणा इलेक्शन के ऊपर एक एनालिटिकल रिपोर्ट पब्लिश किया था जिसमें बताया कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस ने काम किया उसका रिजल्ट उनको कहीं ना कहीं हरियाणा इलेक्शन में देखने के लिए मिला। तो चलिए थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट इतने सालों से कैसे ऐसे कामों को अंजाम देती आ रही है जब भी वो पावर में आते हैं। तो अभी रिसेंट में हरियाणा में इलेक्शंस हुए थे जिसके नतीजे आपके सामने हैं और एज यूजुअल जैसा कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कांग्रेस ने वैसा ही परफॉर्म किया। जात और जाट की राजनीति करके इन्होंने सोचा था कि हम लोग जीत जाएंगे, लोगों को डिवाइड करके वोट लेकर हम कुर्सी पे बैठ जाएंगे, लेकिन इनका ये प्रयास नाकाम रहा क्योंकि योगी जी के भाषण ने पहले ही अपना मैजिक कर दिया था। तो इस इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद द न्यूज रडार के एक जर्नलिस्ट जिनका नाम सुनील चड्डा है उनके ऊपर FIR होता है हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस लीडर्स के द्वारा क्योंकि इस जर्नलिस्ट ने हरियाणा इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आए थे उसके ऊपर एक एनालिटिकल रिपोर्ट पब्लिश किया। इस एनालिटिकल रिपोर्ट में ये बताया गया था कि हरियाणा के इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आए हैं जिसमें कि कांग्रेस पार्टी हार चुकी है तो उसके क्या क्या मेन फैक्टर्स थे, क्या क्या पॉइंट्स थे और उसमें इन्होंने बताया था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस काम कर रही है, जिस तरीके के उन्होंने स्टेप्स उठाए हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसका खामियाजा उनको कहीं ना कहीं हरियाणा इलेक्शन में भुगतने को मिला है। और हमने अपने पिछले कई वीडियोस में आपको बताया है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है उन्होंने खटाखट स्कीम के थ्रू इतने सारे पैसे बांट दिए हैं कि भाई स्टेट के ऊपर बर्डन आ चुका है, उनके पास पैसे ही नहीं है कि वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर सके। कई सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनको कितने समय से तो सैलरी ही नहीं मिल रहा। कुछ दिनों पहले ये खबर आया था कि हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट टॉयलेट सीट के ऊपर भी अब टैक्स लगाने वाली है ताकि बर्डन थोड़ा और कम हो सके और उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं आपको पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वैसे बाद में कांग्रेस गवर्नमेंट ये अनाउंस करती है कि नहीं हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और इस चीज को वो लोग वापस ले लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि ये लोग जो भी चीज आप सोच सकते हो उनके ऊपर टैक्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके रेट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कुछ तो आमदनी हो, कहीं से किसी भी तरीके से कम स्टेट को चलाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल 2 महीने पहले अचानक से इन्होंने कहा कि कैनबिस को हम लोग मेडिकल पर्पस के लिए अलाउ कर रहे हैं ताकि ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस है इससे हम लोग थोड़ा बाहर आ सके। और हिमाचल प्रदेश के मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने कहा था कि हम लोग अपने स्टेट को स्ट्रेंथन करने के लिए हर एक उपाय कर रहे हैं, फिर वो चाहे वाटर रिसोर्सेज के थ्रू हो, एक्साइज पॉलिसी के थ्रू हो या फिर माइनिंग पॉलिसी के थ्रू हो। अगर आपको इसको मैं शॉर्ट में बताऊं तो डूबते हुए को तिनके का सहारा। हिमाचल प्रदेश के ऊपर 2018 में जो टोटल कर्ज था वो 2023 तक आते आते ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। और हिमाचल प्रदेश में ये सभी चीजें क्यों हो रही है आपको पता है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है कांग्रेस की गवर्नमेंट, उन्होंने इलेक्शन से पहले बहुत सारे वादे किए थे, खटाखट स्कीम के थ्रू पैसे देने के वादे किए थे, ओल्ड पेंशन स्कीम लाने के वादे किए थे और बहुत सारे और भी वादे किए थे। अब ये जो पैसे थे भाई वो कांग्रेस की गवर्नमेंट अपने जेब से निकाल के तो आपको देने वाली नहीं है, राहुल गांधी अपने सैलरी से काट के तो हिमाचल प्रदेश के लोगों को देने वाले नहीं है। ये पैसे कहाँ से आने वाले थे? ये पैसे आने वाले थे हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्हीं के पॉकेट से आने वाला था और नतीजा आपके सामने है कि हिमाचल प्रदेश कर्ज में डूब चुकी है। सेम अगर दूसरे राज्य की बात करें जहाँ पे कि कांग्रेस गवर्नमेंट रूल करती है जो कि है कर्नाटका, तो कर्नाटका के अंदर भी सेम कंडीशंस फॉलो हो रहे हैं। कर्नाटका की गवर्नमेंट ने जो फ्रीवेज के थ्रू खटाखट पैसे लोगों के बीच में बांटे थे उसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने बहुत सारे चीज़ों के रेट बढ़ा दिए, जैसे कि पानी के रेट बढ़ा दिए, दूध के रेट बढ़ा दिए, इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ा दिए। और कर्नाटका के अंदर पानी की समस्या की तो आप बात ही मत करो, बेंगलुरु के अंदर पानी की इतनी ज़्यादा समस्या थी कि लोग लिटरली टॉयलेट जाने के लिए मॉल में जा रहे थे क्योंकि उनके घर में पानी ही नहीं था। कोई अपने सोसाइटी में प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई कहीं पे प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई अलग अलग डिमांड कर रहा है। कर्नाटका के कांग्रेस ने जो अपने गारंटी स्कीम के थ्रू पैसे बांटे थे, पैसे उड़ाए थे अगर कहे तो, उसको मेकअप करने के लिए जो SC ST फंड थे उसका 37% इस्तेमाल करती है जिसका की टोटल अमाउंट होता है 14,730 करोड़ रुपए। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जो इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस रेज किए गए थे उसके कारण कई लोगों ने तो भारत बंद तक ऐलान कर दिया था, कई लोग तो प्रोटेस्ट कर रहे थे। कुछ किसान इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वो लोग एक मगरमच्छ को पकड़ के लाते हैं और बिजली विभाग का जो ऑफिस होता है उसमें ले जाकर उस मगरमच्छ को छोड़ देते हैं। अब अगर तीसरे स्टेट की तरफ चले जिसको कांग्रेस गवर्नमेंट रूल कर रही है,
वो है तेलंगाना। तेलंगाना भी नियर टू बैंकरप्सी पहुंच चुका है। अभी हाल ही में सेंटर ने बताया है कि वो तेलंगाना को और लोन नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो लोन के अमाउंट को रीपे ही नहीं कर पाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी तीन स्टेट में रूल करती है और तीनों के तीनों स्टेट का इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है। इन तीनों स्टेट में फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुका है भाई, ग्रोथ और डेवलपमेंट के नाम पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ना कोई प्रोजेक्ट ढंग से चल रहा है। और इतिहास गवाह रहा है कि जब जब कांग्रेस पार्टी पावर में आई है तब तब इन्होंने लोगों की आवाज को दबाया है। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था, और इमरजेंसी भी किस लिए लगाया था, क्योंकि इलाहाबाद के कोर्ट ने ये कहा था कि इंदिरा गांधी ने माल प्रैक्टिस किया है, गड़बड़ी की है इलेक्शन में, और इसलिए इंदिरा गांधी को अब इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। और इस कारण से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया। प्रेस जैसे कि द इंडियन एक्सप्रेस, द स्टेट्समैन को सेंसर कर दिया गया था। जर्नलिस्ट जैसे कि कुलदीप नायर, रामनाथ गोइंका को अरेस्ट कर लिया गया। ऑपोजिशन के लीडर्स जैसे कि जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई को जेल में डाल दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर दिया गया, जुडिशियरी में चेंजेस कर दिया गया, साथ में लोगों की नसबंदी तक कर दी गई ताकि लोग बच्चे पैदा न कर सके। हिपोक्रेसी शब्द 13th सेंचुरी में सबसे पहली बार यूज किया गया था। उसके बाद जैसे जैसे साल बीतता गया, लोग हिपोक्रेसी शब्द के जगह पे कांग्रेस शब्द का इस्तेमाल करने लगे। तो कांग्रेस पार्टी जिस स्टेट में रूल करती है वहां का तो बेड़ा गर्क कर ही देती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट को तो डाउनफॉल की तरफ ये लोग ले ही जाते हैं। साथ में इसके ऊपर अगर भाई कोई एनालिटिकल रिपोर्ट पब्लिश कर दे, कुछ छाप दे, तो भाई उसके ऊपर FIR हो जाता है। और जैसे ही इलेक्शन आने लगता है तो ये लोग डेमोक्रेसी खतरे में है का विक्टिम कार्ड निकाल लेते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे कि शांतिप्रिय समुदाय सारा वायलेंस करते हैं और फिर कहते हैं कि हम लोग विक्टिम है और विक्टिम कार्ड निकाल लेते हैं। इसके बारे में आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करके इस वीडियो के रीच को बढ़ाएं। नमस्कार।